प्रिय मित्र जेम्स की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब में हैं और पवित्र शास्त्र से, उत्पत्ति की किताब पहली किताब है पवित्र शास्त्र में, और हम उसके 17वें अध्याय में आ चुके हैं। और 17वें अध्याय में आते ही हम फिर से परमेश्वर को अब्राहम के साथ दर्शन में बातें करते हुए देखते हैं और वाचा बांधते हुए देखते हैं प्रियो। और हम जब उस 17वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो यहां पर परमेश्वर ने फिर से अब्राहम को याद किया है। अब्राहम जो हम देखते हैं 15वें अध्याय में भी इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा और उससे यह कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रियो यहाँ भी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है, वाचा बांधी है, उसके साथ वादा किया है। और 17वें अध्याय में भी फिर से, और 16वें अध्याय में प्रियो हम हाजिरा और उसके पुत्र इस्माइल के बारे में देखते हैं कि वो सूर के सोत मार्ग में सूर के जल के सोते के पास परमेश्वर से बातें करते हुए देखते हैं, या परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है और उसे कहता है तेरे वंश को भी मैं बहुत बढ़ाऊंगा और बनेले गधे के समान वो अपने भाई बंधुओं में बसा रहेगा। और परमेश्वर किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता है, परमेश्वर किसी के साथ भी गलत नहीं करता है। हम गलत हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी भी गलत नहीं है। परमेश्वर जानता है हमारे बारे में, हमारी सृष्टि जानता है। इसलिए हम उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में देखते कि जब वो 99 वर्ष का हुआ परमेश्वर ने फिर से उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमेश्वर है, और वो कह रहा है अब्राहम से, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। चलना है, सिद्ध होना है और उसकी उपस्थिति में चलना है। प्रिय परमेश्वर की जहाँ उपस्थिति होती है, अगर वहाँ पर आप रहते हैं और वहाँ पर आप चलते हैं, वहाँ पर आप कार्य करते हैं, वहाँ पर आप उसके नाम पर भरोसा करते हैं, तो सिद्ध होते जाने की हमें ज़रूरत है और हम सिद्ध होते चले जाएंगे। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ये कहना चाहता है कि ये अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो जा और अत्यंत मैं तुझे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। कई बार आपको भी लगता होगा कि परमेश्वर के जन आपसे बार बार वचन के द्वारा वायदे बताता रहता है और आपके साथ वाचा बांधता रहता है और हर संडे आपको हिम्मत और ढाढ़स बंधाता है और आपको वायदे पे वायदे परमेश्वर के आपको बताता चला जाता है और कई बार लगता पूरे तो होते नहीं है। प्रियो जल्दबाजी ना करें। मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जल्दबाजी में कभी भी आशीष नहीं पाते। अब्राहम 100 वर्ष का होने में 1 साल बचा है और उसको वाचा पे वाचा, वायदे पे वायदा परमेश्वर करता जा रहा है। फिर से हम 17वें अध्याय में ये वादा देखते हैं कि यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। क्या परमेश्वर को एक बार कहने में काम नहीं चलता है? परमेश्वर बार बार उसे चिताता है, बार बार उसे दर्शन देता है और बार बार उसे कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। जब जब अब्राहम ने उस पर शक किया, जब जब अब्राहम ने उसके लिए अच्छा किया, जब जब अब्राहम परमेश्वर पर विश्वासित या आश्रित रहा, तब तब परमेश्वर ने उसके विश्वास को बढ़ाया और उसे दर्शन देकर उससे बातचीत की। कैमर हम भी प्रियो हमारे साहस को परमेश्वर बढ़ा रहा होता और हम नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है और परमेश्वर हमें परख भी रहा है और परमेश्वर हमें जांच भी रहा है, लेकिन हम उस बात पर ध्यान नहीं देते। हम अपनी कंप्लेंट शिकायतें करते ही करते चले जाते हैं और हमारी शिकायतें हमारे मुंह पर बनी रहती हैं। तो इसलिए तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उम्र बढ़ती जा रही है, परमेश्वर को पूरा ध्यान है कि वह जब 99 वर्ष का हुआ परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर उसे अब्राहम को चलाना चाहता है अपनी उपस्थिति में? क्यों कहता है कि वो चल फिर और सिद्ध हो जा? क्यों? कारण है इसका, क्योंकि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है। अब्राहम के द्वारा उसे वो विश्वासियों का पिता बनाना चाहता है। वो उच्च पिता तो है, अब वो बहुतों का पिता उसे बनाना चाहता है। अब कहीं बिना बच्चे के वो पिता कैसे हो सकता है? मैं कहानी को आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने सुनी है।
मैं उस कहानी को इस प्रकार से बताना चाहता हूँ कि कल्पना है, कल्पना यह है कि जब हम पिछले अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधी कि तेरी संतान को कोई गिन नहीं सकेगा, तब जब उसके आसपास से कुछ लोग गुजर रहे थे तब वहाँ पर वो लोग रुके और अब्राहम से बात हुई और अब्राहम ने अपना परिचय देते हुए कहा मैं उच्च पिता हूँ। तो उन्होंने कहा कितने बच्चे हैं आपके पास, तो उसने बोला कोई भी बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा मेरे पास नहीं है। तो उनको कैसा लगा होगा कि ये उच्च पिता है, ये कैसा पिता है, ये कैसे पिता हो सकता है जिसके पास कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वायदे में और वाचा में अभी बच्चे थे, वो उच्च पिता था। छः महीने बीतने पर फिर से वो लोग आते हैं और फिर से उनकी मुलाकात उस अब्राहम से होती है और अब्राहम उनको फिर से कहता है अब मैं बहुतों का पिता है। फिर से उससे सवाल किया जाता है कि कितने पुत्र हैं आपके पास, बोला अभी एक भी नहीं। तो आप समझ लें कि परमेश्वर ने उसके साथ वायदे किए हैं और उसने परमेश्वर के वायदों पर वाचा पर विश्वास किया है कि अब वो बहुतों का पिता होने जा रहा है, उच्च पिता से बहुतों का पिता, जातियों का पिता अब्राहम को परमेश्वर बनाने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सिद्ध हो जा और मेरी उपस्थिति में चल। आज मेरे भाई और मेरी बहन, हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होते जाना है। जब तक हम अपनी सिद्धता को परमेश्वर में स्थिर नहीं करते या प्रकट नहीं कर पाते या परमेश्वर हमें सिद्ध नहीं करता है, तब तक प्रियो हम वायदे तो सुनेंगे, वाचा तो हमारे साथ बांधी रहेगी, उनको पूरा होते देखने में हम लेट हो जाएंगे, जैसे कि हम अब्राहम को भी देखते हैं। पर आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उच्च पिता हैं, आप बहुतों के पिता हैं, आपको परमेश्वर पिता का रूप दे रहा है, आपको परमेश्वर, अगर आपके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है तो उसको पूरा करेगा और इसमें कोई भी शक नहीं हो सकता है, इसमें कभी भी ढिलाई हो सकती है, देरी हो सकती है, पर प्रियो ये पूरा होगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा ऐसा लिखा है, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अब आप सोचिएगा परमेश्वर फिर से उसे यही कह रहा है जैसे कि हम पिछले अध्याय में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तारों को गिनो, गिन सकता है, उसने बोला नहीं, तो तेरी संतान को भी कोई गिन नहीं सकता। फिर से 99 वर्ष हो गए हैं उससे, 99 साल का अब्राहम हो गया है और फिर से परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें करता चला गया। प्रियो परमेश्वर बातें करता चला गया और अब्राहम मुंह के बल गिरा और लिखा है 4 पद में, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। मूल पिता, बहुतों का पिता, पिता मतलब बच्चे उससे निकलेंगे और वो पिता बनता चला जाएगा, जातियों का पिता। आज अब्राहम भी मेरा पिता है, आज अब्राहम भी आपका पिता है, आज अब्राहम की आप भेड़ और बकरी के समान गिने जाते हैं, आप उसके बच्चे की उसकी संतानों में गिने जाते हैं, अब्राहम की संतानों में आते हैं आप। सोचिएगा कि अब्राहम को परमेश्वर ने मूल पिता कहा, बहुतों का पिता। यही है प्रियो कि परमेश्वर किस तरीके से वाचा बांधता है, किस तरीके से वायदे करता है, और मुंह के बल जब गिरा और परमेश्वर उससे बातें करता ही चला गया और कहा देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। जातियों के समूह का मूल पिता होना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और गंभीर बात है, और इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, पर आपको विश्वास करना होगा जैसे कि अब्राहम ने विश्वास किया है, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का मूल पिता ठहरा दिया है, मुझे नियुक्त किया है, मैंने तुझे तेरा अभिषेक कर दिया है कि तू जातियों के समूहों का मूल पिता ठहराया गया है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। 6 पद कह रहा है और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। प्रियो जातियों के समूह का मूल पिता और राजा उत्पन्न करेगा कौन? परमेश्वर। तेरे बीच में, तेरे लोगों में राजा उत्पन्न होंगे, भिखारी नहीं, नौकर चाकर नहीं, गरीब नहीं, राजा उत्पन्न होंगे। प्रियो राजा उत्पन्न नहीं होते लेकिन बनाए जाते हैं, अभिषेक होता है, पर अब्राहम की संतानों में से राजा उत्पन्न होंगे,
उनको परमेश्वर ने राजा करके पैदा किया है, राजकुमार और राजा बना दिया है पहले से, जबकि बच्चा नहीं आया है। तो प्रियो हम छठे पद को देख रहे थे, सात पद को भी हम देख लेते हैं। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। याद रखना कि मैं तेरा भी और तेरे वंश का भी, मैं वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा परमेश्वर और तेरे वंश का भी परमेश्वर सदा के लिए पीढ़ी पीढ़ी दर के लिए बना रहूंगा। आज अब्राहम की संतान होते हुए मैं और आप उसकी संतान हैं अब्राहम की, और अब्राहम हमारा पिता है, और जिसने उसे पिता बनाया बहुतों का वो सच्चा जीवित परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होना है और उस पर भरोसा करना है और उसके वाचा को याद रखना है कि वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको कमजोर नहीं करेगा और दिन प्रतिदिन आपकी वो मदद करता चला जाएगा। इसलिए भरोसा करें और शक ना करें और विश्वास करें कि परमेश्वर ने मेरे साथ भी वाचा बांधी है और मुझे भी वो बढ़ाएगा और मेरा विस्तार करेगा, क्योंकि मेरे घर में भी राजा उत्पन्न किए गए हैं और परमेश्वर आपके राजकुमार का राज्याभिषेक करेगा। प्रभु आपके साथ रहें। ये 11 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। जय मसीह की।